सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डैन ऑफ द थीव्स मूवी के बारे में। ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, तो क्या है वो चलिए देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि मैंने आज पूरी 3 मूवीज देखी है जिनमें से ये पहली फिल्म है। तो बात करें डैन ऑफ थीव्स मूवी की तो ये एक ठीक ठाक फिल्म है। तो जो लोग एक्शन मूवीज के फैन हैं ये फिल्म उनके लिए है, जिसमें एक अच्छी खासी चोर पुलिस दिखाई गई है। साथ ही साथ बात करें इस फिल्म के 2 बड़े एक्टर की, जिनमें से एक है इस फिल्म के लीड एक्टर ग्रेट बटलर और दूसरे इस फिल्म के विलन 50 सेंट। इन दोनों की टक्कर काफी अच्छी दिखाई गई है फिल्म में। और बात करें इस फिल्म के एक्टर ग्रेट बटलर की तो उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। और बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म के डायरेक्टर है क्रिस्टेन, जो कुछ इसी टाइप की मूवीज लिखते हैं। और उन लिस्ट में मूवीज के नाम आते हैं लंडन हैज फॉलन, अ मैन अपार्ट, बियॉन्ड द सिटी लिमिट और सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून। तो ये इनकी पहली फिल्म है एज डायरेक्टर, लेकिन उन्होंने अपना डायरेक्शन काफी अच्छा रखा है इस फिल्म में, जिससे आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये उनकी पहली फिल्म है। और बात करें इस फिल्म के प्लॉट के बारे में तो कहीं ना कहीं जब मैं ये फिल्म देख रहा था तो मुझे एक ही फिल्म का नाम याद आ रहा था और वो फिल्म थी द हीट, जो आई थी 1995 में और उस फिल्म को डायरेक्ट किया था माइकल मैनन ने। और अगर आपने द हीट मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस फिल्म के एक्शन काफी ज्यादा रियल थे। साथ ही साथ उस फिल्म के एक्शन में काफी लोगों को चोट भी आई थी। और अगर हमारे फिल्म के एक्टर रॉबर्ट डी नीरो और अल पचिनो का ड्राइविंग सेंस इतना अच्छा नहीं होता तो आज वो लोग इस दुनिया में नहीं होते। तो वो एक मस्ट वॉच फिल्म है। और आप ये भी पूछोगे कि क्या द हीट मूवी हिंदी में आई थी या नहीं, तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जी नहीं, ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है बैंक रॉबर्स पे। और अब आ जाते हैं हमारी फिल्म डैन ऑफ थीव्स पर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक ठीक ठाक फिल्म है जिसे आप इंजॉय कर सकते हो। और सबसे बड़ा पॉइंट कि क्या ये फिल्म हिंदी में रिलीज हुई है या नहीं, तो उसका जवाब है नहीं, ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को देखो, क्योंकि ये एक पैसा वसूल फिल्म है। और बात करें फिल्म की स्टोरी की तो स्टोरी वही है जो हमें ट्रेलर में दिखाई जाती है, बस एंड थोड़ा ट्विस्टी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन बाय।